हाँ जी, अब देखिए एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फोर वेक्टर्स, चार वेक्टर्स दिए हैं v1 v2 v3 v4 इन v3 c फॉर्म अ लीनियर डिपेंडेंट सेट बट एनी थ्री ऑफ देम आर li। तो पहले तो इन चार वेक्टर को एल डी प्रूव करना है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने, तो लेट a1 a b c d, मैंने चार स्केलर ले लिए फील्ड सी में से, तो सच दैट ए इंटू 1,00 प्लस बी इंटू 010 प्लस सी इंटू 001 प्लस डी इंटू 111 किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के, और जीरो वेक्टर क्या है, वी क्यूब का 000। तो इसको लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कीजिए सबसे, ए 00 प्लस 0b0 प्लस 00c प्लस d इक्वल टू 000। फिर सबको एड करूंगी तो फाइनली मुझे पहला कॉम्पोनेंट क्या मिलेगा, ए प्लस डी कॉमा नेक्स्ट क्या मिलेगा, बी प्लस डी लास्ट सी प्लस डी इक्वल टू 000। फिर कंपेयर कर दो, ए प्लस डी इक्वल टू 0, बी प्लस डी इक्वल टू 0, सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आया है, ए इक्वल टू माइनस डी, बी इक्वल टू माइनस डी, सी इक्वल टू माइनस डी। तो फाइनली मतलब सारे ये एबीसी किसके इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू माइनस डी। तो बस ये एक क्या आ गई है, कंडीशन आ गई है, जब भी आप इन चार वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल रखते हो तो आपके ए बी सी और डी स्केलर पे क्या कंडीशन आ गई कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू माइनस डी, मतलब ए बी सी तीनों किसके बराबर रखना, माइनस डी के। तो डी की कोई भी वैल्यू चूज करो, डी को मैंने रखा 1, तो आप लोगों को ए बी सी किसके इक्वल रखना, माइनस 1 के। इन तीनों को माइनस 1 रखो, इसको 1 रखो, तो अपने आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पक्का 0 मिलेगा। ऐसी डी की जगह 2 रखो तब भी ए बी सी क्या रखने है, माइनस 2, तब भी 0 मिल जाएगा। डी की जगह 3 रखो, ए बी सी क्या रखोगे, माइनस है, तब भी 0 मिलेगा। मतलब इसके तो कितने सारे सोल्यूशन मिलेंगे ना, नॉन जीरो। तो हेंस ये चारों वेक्टर कैसे हैं, एलडी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप खुद ही कर लेना कि आपको क्या करना है कि एनी थ्री कोई भी उठा रहे तो बार बार वो एलआई आ रहे हैं ना, एलआई मैंने करना सिखाया था फिफ्थ पार्ट में, तो ऐसे हो जाएगा सिंपल। नाइन्थ क्वेश्चन में भी यही करना है, आपको चार वेक्टर्स दिए, आपको प्रूफ करना है कि वो एलडी हैं, खुद करना। टेंथ क्वेश्चन में टेस्ट फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स, आप लोगों को चार वेक्टर्स दिए हैं ओवर v5q, आपको फिर से वही चेक करना है कि वो एलआई है या नहीं है। वैसे तो वही कर सकते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन रखो जीरो के इक्वल और फिर कंडीशन ले आना, एलआई के लिए क्या होता है कि सारे स्केलर पक्का किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। बट क्योंकि पांच पांच सेट ऑफ वेक्टर्स है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसमें एक क्लियर मुझे विजिबल हो रहा है कि इन चार वेक्टर में से ये दो वेक्टर उसने क्या ले लिए, रिपीट ले लिए है ना, सेम है बिल्कुल, 0101 0101। तो अगर कोई ये देखो, ये v1 का काम कर रहा है, ये v2 का काम कर रहा है, ये v3 का और ये v4 का, क्योंकि v1 v3 बिल्कुल सेम हो चुके हैं, तो मैं क्या v1 को ऐसे नहीं लिख सकती, इस v1 को क्या लिख सकती हूं मैं, 0 इंटू v2 प्लस 1 इंटू v3 प्लस 0 इंटू v4। बेसिकली मैंने v1 को मैं v2 v3 v4 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रही हूं, है ना, बहुत आसान से, क्योंकि v1 और v3 रिपीट हो चुके हैं। तो मैं v1 को क्या लिख सकती हूं, 1 इंटू v3 ना, और बाकी दोनों वेक्टर के साथ मैंने 0 0 स्केलर ले लिए हैं। तो क्योंकि v1 अब v2 v3 v4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो हमने एक थ्योरम करी थी पीछे कि अगर कोई एक vr वेक्टर, कोई भी v वेक्टर अगर v1 v2 vn वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो ये v1 v2 vn और साथ में v अगर वेक्टर इसमें मिला दिया जाए, तो ये पूरा सेट क्या बनता है, हमेशा एलडी। तो इसका मतलब ये v1 v2 v3 v4 क्या मिलेंगे, एलडी वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ये आप थ्योरम का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में भी आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 4, देन पूछा था सेट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, तो ये तीन आपको क्या दे रखे हैं, वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको इनको एलआई चेक करना। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूंगी, तीन वेक्टर्स उठाए मैंने ए बी सी, कहां से जो भी फील्ड होगी मान लो आर, तो आप सच दैट ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स क्यू प्लस 2 एक्स प्लस 1 किसके इक्वल रखूंगी, जीरो के। जीरो वेक्टर क्या है इसमें, हमारी इस वेक्टर स्पेस में एक पॉलिनोमियल तो होगा ना 4 डिग्री का, जो कि क्या होगा, जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल 4 डिग्री का, 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यू प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, है ना। अपनी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लो, लेफ्ट साइड जब सॉल्व करोगे तो कॉफिशियंट वाइज लिखते रहो, एक्स क्यू के कॉफिशियंट क्या मिलेंगे, बी प्लस सी, फिर प्लस एक्स के कॉफिशियंट कौन कौन मिल रहे हैं, ए माइनस बी प्लस 2c इंटू एक्स, फिर प्लस में कॉन्स्टेंट वाले सारे इकट्ठे लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में क्या है 0 0 0 पॉलिनोमियल। फिर लास्ट में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहां पे एक्स क्यूब का कॉफिशन क्या है, बी प्लस सी, और यहां पे एक्स क्यूब का कॉफिशन क्या है, जीरो साइड पे तो जीरो ही है। सिमिलरली यहां पे एक्स का कॉफिशन क्या है, ए माइनस बी प्लस 2c, और यहां पर क्या है, जीरो। सिमिलरली यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर क्या है, जीरो। तो आपको तीन इक्वेशन मिल गई है तीन वेरिएबल में, ए बी सी में। तो फिर से आप इसको किसमें मोल्ड कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ मैट्रिक्सेस में। तो इसमें आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बी प्लस सी है, इसको ए इंटू जीरो प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो फाइनली मैट्रिक्स क्या बनी आपकी, यहाँ पे कॉफिशियंट क्या है एबीसी का, 0 1 1, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 2 1 1 1 इंटू में
आपके वेरिएबल्स क्या है, ए बी सी इक्वल टू 0 0 0, तो सिस्टम बना दिया। सिस्टम बनाने के बाद इस मैट्रिक्स से क्या निकाल के देखेंगे, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब ये कैसे सॉल्यूशन बनेंगे, एलआई, मतलब ये तीन वेक्टर्स कैसे हैं आपके एलआई है। तो 11th क्वेश्चन खुद करना बाकी है। 12th क्वेश्चन में भी शो दैट द 3 रो वेक्टर्स एज वेल एज 3 कॉलम वेक्टर्स आर एल टी। इस मैट्रिक्स में क्या रहा है, पहले तीनों रो वेक्टर्स उठाओ, मतलब पहला वेक्टर क्या उठा लो, 2 3 1, 7 -6 17, और तीसरा 5 2 7। वो कह रहे हैं इन तीन रो वेक्टर्स को लो और चेक करो वो एल डी है एल आई है, कर लेंगे। सिमिलरली कह रहे हैं एक बार तीनों कॉलम वेक्टर्स को उठाओ और चेक करो कि वो एल डी है एल आई है, एल डी शो करने के लिए कह रहा है, ये भी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ए इफ द वेक्टर्स, कह रहा है ए वेक्टर निकालो सच दैट ये तीन वेक्टर्स आपके क्या दिए हुए हैं, एल डी दिए हुए हैं। तो क्योंकि अगर एल डी है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इन तीन वेक्टर्स का किसके इक्वल होगा, 0 0 0 के, है ना, सच दैट ए वन ए टू ए थ्री क्या होंगे, नॉन जीरो। तो मैंने पहले इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल रख दिया, ए वन इंटू 1 -1 3 प्लस ए टू इंटू 1 2 3 प्लस ए थ्री इंटू 0 1 इक्वल टू 0 0 0 रख लिया। फिर ये स्केलर सारे अंदर मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए इंटू ए थ्री माइनस ए वन प्लस टू ए टू प्लस 0 इंटू ए थ्री 3 a1 प्लस 3 a2 प्लस ए थ्री इक्वल टू 0 0 0। फिर कंपेयर कर दो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, फिर से क्या मिल गई है, तीन इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स ए वन ए टू ए थ्री। फिर से इसको मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, तो यहां पे मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 1 1 a -1 2 0 3 3 1, और इंटू में आपके जो वेरिएबल्स ए वन ए टू ए थ्री इक्वल टू 0 0 0। अब क्योंकि ये तीनों वेक्टर आपको एल डी दिए हुए थे, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपने आप ही किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के, तो इसको अपने आप ही क्या रखोगे, जीरो के इक्वल रखोगे। यहां से आपको ए के लिए कंडीशन मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इन द वेक्टर स्पेस आर ओवर क्यू, तो आर ओवर क्यू वेक्टर स्पेस लिया है, प्रूव दैट द सेट 1, u इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ u इज इरेशनल। वो बोल रहा है कि 1, u जो सेट है ये तभी li हो सकता है इफ एंड ओनली इफ u इज इरेशनल। देखो दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो कब ld हो सकता था, इधर आपको ld की कंडीशन बता चुकी हूं बहुत क्लियरली थियोरम्स की हेल्प से, कि या तो आपका जो u है, मतलब वेक्टर एक जीरो दिख रहा हो किसी भी सेट में, आपने जो सेट ऑफ वेक्टर्स लिया या तो आपको कोई एक जीरो दिख रहा हो क्लियरली, तो पक्का वो सेट एलडी है। अगर जीरो वेक्टर नहीं है तब कोई भी सेट v1 v2 vn का एलडी तभी हो सकता है जब कोई एक एलिमेंट बाकी प्रिसीडिंग के क्या लिखा जा सकता हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो, ये हम कर चुके हैं थ्योरम। तो क्योंकि दो ही एलिमेंट हैं पड़े, ऑब्वियसली दोनों नॉन जीरो दिख रहे हैं, तो आपका जो ये 1 और u है आपके एलडी तभी हो सकता है जब आपका एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, क्योंकि दो ही तो वेक्टर है, प्रीसीडिंग क्या होगा, एक ही तो होगा। और u अगर 1 का मैं बोलूं लीनियरली कॉम्बिनेशन, मतलब क्या है, u क्या लिखा जाए, कुछ स्केलर मल्टीप्लाई में 1 लिखा जा सके, तो सिंस 1, u एलडी अगर मान लिया मैंने, लेट 1, u इज एलडी, तो ये तभी पॉसिबल है जब u क्या होगा, 1 का कुछ स्केलर मल्टीपल होगा, u इज इक्वल टू लैमडा इंटू 1, वे जो लैमडा होगा स्केलर वो कहां से आता है, फील्ड में से, फील्ड आपकी क्या है, r ओवर q में, q है, ठीक है। अब देखिए लैमडा क्योंकि क्या है, एक क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा, तो आपका u भी कैसा होना चाहिए, रैशनल। तो हमने क्या बोल दिया, 1, u एलडी तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ u इज रैशनल, मतलब अगर तो u इरेशनल हो गया तब पक्का 1, u कैसा होगा, एलआई होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली कंडीशन दिखा दी मैंने, तो चार लाइनों से हो जाएगा। तो थ्योरम्स अच्छे से कर लेना, उनकी हेल्प से भी काफी क्वेश्चन हो रहे हैं। 15th क्वेश्चन, यू वी डब्ल्यू आपको तीन एलआई वेक्टर्स दे रखे हैं किसी वेक्टर स्पेस वी के लिए ओवर फील्ड एफ, ठीक है, देन शो दैट यू प्लस वी, वी प्लस टू, डब्ल्यू प्लस यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। तो क्योंकि इन तीनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखते हैं सबसे पहले, तो लेट ए बी सी मैंने कोई तीन स्केलर्स ले लिया फील्ड एफ से, सच दैट ए इंटू यू प्लस वी प्लस बी इंटू वी प्लस डब्ल्यू प्लस सी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इक्वल टू जीरो लिख दिया। फिर सबको ओपन कर लेना, फिर मैंने यू वी डब्ल्यू के लिए कॉफिशियंट लिख दिए हैं, यू के लिए क्या आएगा, ए प्लस सी, फिर प्लस ए प्लस बी इंटू वी प्लस बी प्लस सी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, इसको ओपन करके कंबाइन करने यू वी डब्ल्यू के कॉफिशियंट लिख दिए हैं। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये बेसिकली यू वी डब्ल्यू के लिए एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी भी क्या है,
स्केलर ही तो है फील्ड एफ में से, क्योंकि ए बी सी अगर फील्ड एफ में से स्केलर्स है तो ए प्लस सी भी एक स्केलर होगा, ए प्लस बी भी एक स्केलर है, बी प्लस सी भी एक स्केलर है। तो बेसिकली यू वी डब्ल्यू का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है। और यू वी डब्ल्यू कैसे वेक्टर्स दिए हुए आपको क्वेश्चन में, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि यू वी डब्ल्यू लीनियर इंडिपेंडेंट है, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी जीरो के इक्वल रखोगे तो जो साथ में स्केलर मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं आपने वो पक्का किसके इक्वल होने चाहिए, जीरो के, मतलब ए प्लस सी भी जीरो के इक्वल, ए प्लस बी भी जीरो के इक्वल और बी प्लस सी भी इक्वल टू जीरो। तो यहां से सॉल्व करके आपको क्या मिलता है, ए इक्वल टू माइनस सी, ए इक्वल टू माइनस बी, बी इक्वल टू माइनस सी। तो बेसिकली यहां से तो आ रहा है बी इक्वल टू माइनस सी, यहां से ये भी ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है, तो मतलब माइनस सी इक्वल टू माइनस बी, बेसिकली बी इक्वल टू सी। अब बी सी के भी इक्वल और बी इक्वल टू माइनस सी, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बी और सी दोनों जीरो होंगे, और अगर बी और सी जीरो हो गए तो ए भी जीरो। तो बेसिकली ए बी सी तीनों जीरो आ रहे हैं, और अगर ए बी सी तीनों जीरो आ रहे हैं मतलब यू प्लस वी, वी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस यू भी कैसे वेक्टर्स हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका सेकेंड पार्ट भी ऐसे करना है। सी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन स्केलर ए बिलोंग्स टू सी द वेक्टर्स दिस एंड दिस इन वी टू सी आर एल डी। तो जब भी दो वेक्टर्स दिए हो, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वो बोल रहा है कि क्या कंडीशन लगाऊं इस ए पे सच दैट ये दोनों वेक्टर्स एल डी हो। तो कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स तभी एल डी हो सकते हैं जब एक दूसरे का क्या हो, लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। लीनियरली कॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सके। तो इसको क्या मान लेंगे, कुछ स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस, वेयर वो स्केलर कहां से आ रहा होगा, फील्ड सी में से। तो 1 प्लस ए कोमा 1 माइनस ए इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, कुछ स्केलर मल्टीपल लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर 1 माइनस ए 1 प्लस ए, क्योंकि मैं इन दोनों वेक्टर क्या लेके चल रही हूं, एल डी, ठीक है। उसके बाद वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू सी, फिर इसको सॉल्व कर देना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर कंपेयर करके लिखना 1 प्लस ए किसके इक्वल आएगा, लैम्डा माइनस ए लैम्डा, और 1 माइनस ए किसके इक्वल आएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा ए। फिर दोनों तरफ इक्वल रखो, मैंने यहां पर ए वाली साइड एक साइड ले गई, तो ए इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, यहां पे भी ए वाली एक साइड लेकर चली गई, तो क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस लैम्डा। अब ये भी ए इंटू 1 माइनस लैम्डा के इक्वल है, ये भी ए इंटू 1 प्लस लैम्डा के इक्वल है, तो बेसिकली दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, सोल्व करके क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1। तो मतलब जो स्केलर मल्टीपल है ये दोनों आपस में, क्योंकि मैंने क्या बोला था एलडी है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, तो लैम्डा क्या आ रहा है 1, लैम्डा 1 रख दो, तो 1 प्लस ए कोमा 1 माइनस ए किसके इक्वल है, 1 इंटू 1 माइनस ए कोमा 1 प्लस ए, इक्वल रखना, सोल्व करना, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यही इसमें पूछ रहा था। फिर 17 में देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द सेट 1 कोमा आई इज एल डी इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेक्टर सी सी बट 1 कोमा आई इज एल आई इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस सी ओवर आर। देखो क्या बोल रहा है कि 1 कोमा आई दो वेक्टर्स अगर आप ले रहे हो किसमें से, अगर तो वो आप सी ओवर सी से उठा रहे हो, मतलब वेक्टर स्पेस भी सी और फील्ड भी सी, तब तो ये हमेशा एल आई होते हैं। एल आई होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि अगर आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0 रखते हो, वेयर ए और बी स्केलर कहां से आता है, फील्ड में से, और फील्ड क्या लिए पहले केस में उसने, सी से। अगर आप ए और बी कोई दो स्केलर सी से उठाओ, क्या ऐसे आपको स्केलर्स मिलते हैं नॉन जीरो सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आ जाए? यस, बहुत सारे मिलते हैं। अगर आप ए को 1 ले लें और बी को क्या ले लें, आयोटा, तो 1 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा क्या आता है, 1 इंटू 1 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, 0। तो यस, आपके पास ए 1 और बी आयोटा, ये कैसा है, एक नॉन जीरो आपने दो स्केलर्स मिल गए ए और बी, सच दैट इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल हो गया है, 0 के। मतलब 1 कोमा आयोटा सी ओवर सी पे तो क्या बन रहे हैं, एल आई बन रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं यही 1 कोमा आयोटा अगर आप सी ओवर आर ले रहे हैं, मतलब फील्ड आर ले रहे हैं, तो ये हमेशा क्या मिलेंगे, ऑब्वियसली एल डी, क्योंकि अगर आप इस बार लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रखा तो क्या ए और बी आप ढूंढ के ला सकते हो कोई भी ऐसे स्केलर रियल नंबर से सच दैट ए इंटू 1 प्लस बी इंटू आयोटा करके 0 आ जाए? कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर ए और बी कैसे उठा रहे हैं आप रियल नंबर। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो, और अगर ए और बी दोनों जीरो लोगे तो ये कैसे हो जाएंगे, एल आई, है ना। और ये कैसे थे, 1 कोमा आयोटा सी ओवर सी पे तो कैसे बन रहे हैं, एल डी, क्योंकि आपको दो ऐसे नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गए हैं ए और बी के सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर आप फील्ड आर रखेंगे तो हमेशा एल आई बनते हैं, क्योंकि ए और बी आपको रियल नंबर से उठाने, और रियल नंबर के लिए ये चीज तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब ए और बी दोनों आप जीरो उठाएंगे। सिमिलरली 18th क्वेश्चन भी हो जाएगा, ऐसा बता चुकी हूं मैं। 19th में भी यही करना है, प्रूव दैट द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दे रखे हैं इन वी टू एफ आर एल डी इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन शो करे। तो देखो अगर ये दो वेक्टर्स एल डी हैं तो आप क्या लिख सकते हो, ए वन कोमा ए टू को कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्केलर मल्टीपल लिख सकते हो, लैम्डा इंटू बी वन कोमा बी टू, फिर इक्वेट करना, सोल्व करना, आपको अपने आप ये कंडीशन मिल जाएगी, है ना। एक बार मैं कर ही देती हूं।
मैंने क्या बोला, ए वन कॉमा ए टू क्या है, कुछ स्केलर मल्टीपल है, कुछ बी वन कॉमा बी टू के, तभी एल डी हो सकते हैं। तो कंपेयर करो ए वन इक्वल टू लैमडा बी वन और ए टू इक्वल टू लैमडा बी टू। तो यहां से आपको लैमडा की वैल्यू क्या मिल रही है, ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू लैमडा, और यहां से क्या मिल रही है, ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू लैमडा। अब ये भी लैमडा के इक्वल है, ये भी लैमडा के इक्वल, तो बेसिकली क्या आ गया, ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ए वन बी टू इक्वल टू ए टू बी वन, इसको माइनस में लेके जाओगे तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू जीरो। उसके बाद 20 में भी कुछ नहीं है, आपको px क्या दे रखा है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स ऑफ द फील्ड f, आपको शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं वो li हैं। तो देखो अगर ये इनफाइनाइट वेक्टर्स लिए हैं आपने तो आपको कुछ क्या मिलेंगे, स्केलर्स मिलेंगे सच दैट a इंटू वन प्लस ए वन इंटू वन प्लस ए टू इंटू एक्स प्लस ए थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए फोर इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो लिखोगे, है ना। तो जो राइट साइड में जीरो पॉलीनोमियल होगा वो भी तो क्या होगा, एक पॉलीनोमियल होगा ना, कौन सा, जीरो स्पेस का, मतलब वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलीनोमियल का जीरो एलिमेंट कैसा होगा, जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स क्यूब, है ना, प्लस जीरो एक्स क्यूब। तो लास्ट में जब कंपेयर करोगे सारे स्केलर से जीरो आ जाएंगे, तो अपने आप ये सेट एल आई बन जाएगा। तो सिंपल है 21 में भी शो दैट द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ये एल डी शो करना, ये भी खुद करना 21। लास्ट 22 बच रहा है, शो दैट द टू वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर स्पेस वी सी वेयर सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर एल डी इफ एंड ऑनली ऑफ वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ये मैं बार बार यूज भी कर रही हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई दो वेक्टर्स उठाए हैं किसी वेक्टर स्पेस वी में से ओवर फील्ड सी, तो वो बोल रहे हैं वो दो वेक्टर्स तभी एल डी होंगे इफ एंड ऑनली इफ उनमें से एक क्या है, दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। तो ये सिंपल है, तो मान लिया दो वेक्टर्स लिए वी वन कॉमा वी टू, किसमें से, वी सी में से, तो मान लिया वो दोनों एल डी वैक्टर्स हैं। अगर वो एल डी वैक्टर्स होते तो हमारी स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि आपको दो स्केलर मिलेंगे नॉट बोथ जीरो फ्रॉम फील्ड सी सच दैट ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू इक्वल टू जीरो होगा। तो मैंने क्या बोला, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते ना, तभी एल डी है। तो मान लो ए वन जीरो नहीं है, अगर ए वन जीरो नहीं है तो यहां से क्या आ रहा है, ए वन वी वन इक्वल टू माइनस ए टू वी टू, तो यहां से वी वन की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए टू अपॉन ए वन इंटू वी टू। तो बेसिकली ये एक स्केलर ही तो होगा ना, तो आपने वी वन को क्या दिखा दिया, वी टू का कुछ स्केलर मल्टीपल। सिमिलरली अगर आप ए टू नॉन जीरो लेते तो वी टू क्या बन जाता है, वी वन का स्केलर मल्टीपल। तो ये होगी लेफ्ट साइड। कन्वर्स साइड, अगर वी वन मेरा स्केलर मल्टीपल है वी टू का, तो मतलब कि आपको क्या मिलेगा, एक लैम्डा स्केलर मिलेगा नॉन जीरो फील्ड में से सच दैट वी वन को आप क्या लिखेंगे, कुछ लैम्डा वी टू, फिर इसको माइनस में लेके जाओ तो यहां से क्या आएगा, वी वन माइनस लैम्डा वी टू इक्वल टू जीरो। फिर वी वन को वन इंटू वी वन लिख सकते हो, तो वन इंटू वी वन माइनस लैम्डा इंटू वी टू इक्वल टू जीरो आ रहा है, वेयर वन भी एक स्केलर है माइनस लैम्डा भी एक स्केलर। तो बेसिकली वी वन वी टू का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आ रहा है, किसके लिए, देखो ये कैसा है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है ना वन तो पक्का, और लैम्डा भी नॉन जीरो है, लैम्डा हो या ना हो वन तो दिख ही रहा है, तो ये कैसा है, अब वी वन वी टू कैसे एलिमेंट्स बन रहे हैं, एल डी वैक्टर्स बन रहे हैं। तो अगर स्केलर मल्टीपल हो गए दो वैक्टर दूसरे के तब भी एल डी, और अगर एल डी तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल। यही 22 में बोल रहा है प्रूफ करने के लिए भी। तो एक्सरसाइज हो गई है, सो कर लेना, इसके एग्जाम्पल कर लेना, जहां डाउट हो पूछ लेना।